गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल प्रियांकार्य। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज की व्लॉगिंग हम शुरू कर रहे हैं, सुबह 9:10 बज रहे होंगे अभी और नाश्ते का टाइम हो रहा है। देख सकते हैं आप क्या मामला थे, पिताजी ऑफिस चले गए, मम्मी नानी के यहाँ आई हैं, अभी तक आई नहीं है वापस। थोड़ी कद्दू की सब्जी है जो कल रात बनी थी और अथाह टेस्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है। 10 बंदे एक साथ सिंक में काम कर लें तो आज का पहला प्रश्न है सुबह सुबह उठ के कि स्विच बंद और दरवाजे पे कुंडी तुम लोगों से लगती क्यों नहीं है, ये इनका सवाल है हमसे। है तुम्हारी फैमिली में कोई भी बंदा नहीं है जो स्विच बंद करे लाइट का और बाहर से अंदर आते हुए कुंडी बंद कर ले? पंखा भी नहीं। तो इस चीज़ पे हमें सुधार करना होगा, करेंगे। बहरहाल आप बताइए पराठे कैसे बने हैं? है ये क्या था? ऑब्वियसली मुझे तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। इतना मुलायम पराठा मैं पहली बार खा रहा हूँ आज, वो भी आलू का। मतलब ये मुंह के अंदर घुल जा रहा है यार। ये कल रात की कद्दू की सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी हो रही है, मतलब कल रात तो हो ही रही थी पर ये और ज्यादा मैरिनेट हो चुकी है। इसको मक्खन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये ऐसा घुल रहा है ना मुंह के अंदर, स्वर्ग। तो भाई अभी अभी जनाब अभी अभी पहुंचे सिद्धार्थ सर, जिन्होंने कल हमारे साथ शूट किया था। ऑडियो रह जाता है, वो ऑडियो का डब लेंगे, वो छोटी बात है क्योंकि बिग सीन तो कर चुके हैं पहले ही, ऑडियो तो डब हो ही जाता है ना आराम से। फिलहाल हम आपको मेरी नई चेंबर मेड से मिलाता हूँ, हमने नई चेंबर मेड रखी है। हाँ मैम, हेलो। काफ़ी आजकल कोटद्वार में चेंबर मेड बहुत सस्ती हो गई है, मतलब आप 2000 पर मंथ पे भी रख सकते हैं। हमारी संस्कृति खराब हो गई है। हमारी संस्कृति में क्या होता है कि जब घर में मेहमान आता है उसको बैठाते हैं, आपको जाते चाय बनाते हैं, पर हमारी संस्कृति हो रही खराब। ये वेस्टर्न जो कल्चर हमारे उसमें आ रहा है कि आप जाइए किसी के घर में घुसिए चाय बनाइए, ये पीनी है तो खुद बनाओ। नहीं नहीं नहीं, ये मैं मतलब वो शब्द मैं यूज नहीं कर सकता। ये वो आदमी, ये मतलब यहाँ आए हमसे चाय बनवाए, सुबह शाम जब भी आए दो बार बनवाए, मैंने कहा भाई आज चाय नहीं बनाऊंगा, पीनी होगी तो खुद बनाओ। तो ये देखिए, हाँ इधर ये देखिए, इनका नाम है चेंबर मेट सुनीता। सुनीता दूध इसमें रखा है फ्रिज में, ठीक है? दूध है कौन सा वाला? नहीं नहीं यही वाला, यही वाला। मलाई थोड़ा छांट के निकालना, ठीक है? इसको चाय में मलाई मत गिरा देना है। कैसे इसको उधर? चम्मच है ना ऊपर, देखो टंगी दिख रही है इधर इधर। हाँ बस ऐसे खराब हो रही है भाई, संस्कार नाम का चीज नहीं है। चलो चेंबर मेड को करने दो, हम डबिंग निपटा लेते हैं। चलो एक प्लान के कैंसिल होने में काफी लोगों का हाथ हो सकता है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। दुख जरूर है थोड़ा बहुत कि आज नहीं जा पा रहे हैं हम टूर के लिए अपने, अगले दिन या उसके बाद वाले दिन मैं कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मैं पहाड़ों पर हूँगा। चलो डबिंग कर लेते हैं। हाँ भाई, तो डबिंग थोड़ी सी बाकी है अभी, वो कर रहे हैं। बहरहाल चौधरी साहब चाय पी के आए हैं। चाय कैसी लगी भाई? खुद बनाई थी, बढ़िया थी। चौधरी लोग घर चले गए थे, अभी वापस आने वाले होंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हमें निकलना है बाहर थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, हल्का फुल्का सामान लेना है, कुछ लोगों से मिलना है। और जो प्लान कैंसिल हो गए थे हमारे, जिसमें चार लोग थे शायद, उनमें से एक अब नहीं है बट तीन लोग हैं जो जाने वाले, उनके बारे में डिटेल देता हूँ मैं। मतलब है यार, मतलब बहुत हौचपौच हो रहा है, मतलब कभी लग रहा है कि नहीं जा सकते आज, फिर लग रहा है कि अरे अभी इनका प्लान बन गया था शाम को ही कर लेते हैं। मैंने कहा भाई तुमने कहा कि नहीं जाना है आज, फिर मैंने पैकिंग भी नहीं करी कोई, अब तुम कह रहे हो अभी निकलना है तो पैकिंग में तो टाइम लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल सुबह निकलेंगे तड़के, तो ये चौधरी साहब पहुँचने वाले हैं, बस तब तक मैं ज़्यादा चेंज वेंज कर लूँ, हाथ में धो लूँ, चेंज तो कर लिया हाथ में धो। अभी अभी व्लॉग एडिट करके पोस्ट किया है रीसेंट, अभी बिल्कुल, तो मतलब बारा जी मैं जा रहा हूँ, आता हूँ अभी, ठीक है? क्या लाना है? कुछ क्या? चलो ये वाले झंडे नहीं उतरते यार, तुम चौधरी का लुक देखो पहले, कुछ अलग सीन कर रखा है चौधरी। तुम इस बार जब दिल्ली से लौटे हो तो कुछ अलग ही भूकाल, मतलब भौकाल जिसे कहते हैं, निकलो यहाँ से। चलो भाई, मैरिज प्रपोजल है चौधरी जी की तरफ से, अगर किसी को शादी वादी करनी है तो प्लीज़ बताएं। रिलेशनशिप भी चलेगा? हाँ।
ठीक है वो देखा है क्या, क्या बोलते हैं उसे, दर्पण देखा है, दर्पण दर्पण देखा है, पर जो देख रही है नहीं देखा अभी अभी गेम निपट चुका है और दो तीन लोग मतलब दो लोग थे खेलने वाले बट अब तीन हो चुके हैं। इनसे मिलिए सुजान मिलिए अभी हेलो ये हैं परीक्षित साहब भाई ग्रुप गोप्रो से करवाऊंगा मैं शूट इससे नहीं करवाऊंगा भाई दिस इज जोशी जी भी आए हैं इतना जीता हूं कि अब मुझे यार क्या जीत के बारे में बात करूं इसने हराया मुझे यार मैं तो अच्छा ही खेल रहा था इधर आ मार्केट वगैरह से अपने काम निपटा के हम लोग आए हैं एक कैफे में थोड़ा आउटर रीजन में है क्या नाम है कैफे बुद्धा कैफे तो आसपास ये कोटद्वार से थोड़ा आउटर है पर हाँ यहाँ बैठे थे थोड़ी देर पहले एक सर और जुड़े हैं हमारे साथ हेलो सर मिस्टर रोहित रावत कैसा लग रहा है आपको बहुत बढ़िया लग रहा है थैंक यू मुझे भी आपसे मिलकर बहुत गंदा लगा बस अब सारे काम निपट गए अब घर निकल चलिए जाओ रे चले हो गया रोहित देखा मनोरंजन छोटू को एक रुपए दे दे घर आ गए बंधु और अब मेन काम होने वाला है पैकिंग अभी खोज करेंगे उस सामान की जो हमें वहां काम आने वाला है ब्रश ट्रिमर चार्जर ये सारी चीज़ तो रखनी है बट सबसे मेन चीज़ थैंक यू अरे यार इनको मैं अकेले छोड़ के जा रहा हूँ ना एक तो पर क्या करें इनका ऑफिस भी है पैकिंग हो गई भैया चश्मे रख लियो चौधरी चश्मे रख लियो ठीक है कलम निकल रहे हैं गंगोत्री अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए बेल आइकन दबाइए इस पर क्योंकि रोज़ व्लॉग्स आ रहे हैं Like, share and subscribe if you like my content. Good night.